अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब जब हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें पहला न्यूमेरिकल था ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी अब ये हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, जो पार्ट्स दिए गए हैं, हमने सिर्फ इनकी लाइंस ड्रॉ करनी है। पहला है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें सूटेबल स्केल सेट करना है कि हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन जो है मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 15 न्यूटन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। तो हमने एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा था, तो यहाँ पर पहले 60 डी रखेंगे यहाँ पे और 60 डिग्री के ऊपर साइन निशान लगा के फिर हम 3 सेंटीमीटर की लाइन को लगा देंगे, तो ये हमारा वेक्टर OA 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट था डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब वो कह रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जो 60 किलोमीटर तक गई है डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन इंडिकेटर लगाना है, जो इंडिकेटर बनाना था जो ये है वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद हमने बताया स्केल के 10 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 60 किलोमीटर वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर वेक्टर का हेड बना दिया, तो ओ ए हमारा वेक्टर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। इसके बाद जो हमारे पास वो था वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में कंबाइन जा रहा है, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर लगा बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये बनाने के बाद हमने स्केल सेट किया कि 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल है 1 सेंटीमीटर, तो 30 किलोमीटर इक्वल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर के। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है, तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे इस तरीके से, उसको पैरेलल लेते हुए आके यहाँ पे साइड पे हमने बता दिया नॉर्थ ईस्ट दोनों की दरमियान की डायरेक्शन में है 5 0 से जीरो ओ से ए वेक्टर 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। यानी एक बॉडी जो है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है एक फिक्स पॉइंट से एंड रीचेज अ पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे पहुंच रहा है। ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो है वो उसका ए है, दूसरा पॉइंट जहाँ वो पहुंच रहा है बी है। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर, बी से वो 3 किलोमीटर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ नॉर्थ की तरफ एंड अराइव एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी पे पहुंच रहा है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया और किया। सबसे पहले डायरेक्शन इंडिकेटर लगाएंगे, फिर 1 किलोमीटर स्केल सेट करेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, 3 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने कहा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमने ये लगा दी 5 सेंटीमीटर की लाइन ए और बी। अब सेकंड जो था उसने कहा कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो 3 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, तो जहाँ पॉइंट बी था वहाँ हेड था पहले वेक्टर का, तो इसकी टेल सेकंड वेक्टर की टेल इसके हेड से मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में। पहली ईस्ट डायरेक्शन थी, दूसरी नॉर्थ की डायरेक्शन थी। इसके बाद दो वेक्टर थे ड्रॉ हो गए। उसके बाद हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करा ए टू सी जो है 5.8 सेंटीमीटर का। इसके बाद ये हमने इसकी डायरेक्शन यानी ड्रॉ करने के बाद हमने इसका मेजर किया, ये 5.8 है और डी यहाँ रख के हमने एंगल चेक किया, ये 31 डिग्री आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी अपनी कार में चल रहा है 5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ सफर करता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके बाद वो 10 किलोमीटर जाता है साउथ की तरफ, और उसके बाद वो जा रहा है 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है 20 किलोमीटर। तो इसमें भी डायरेक्शन वगैरह फाइंड करना है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से पहले डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया और मैंने यहाँ बताया कि 1 किलोमीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, पहले 5 किलोमीटर गया वो ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो साउथ की तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। फिर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की लाइन वेस्ट की तरफ आ गई। और लास्ट वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो 20 किलोमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की लाइन नॉर्थ की तरफ आ गई। अब ये जो आ रही है आपके पास लाइन या ये जो वेक्टर आ रहा है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो 0 से O से D की तरफ है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका O to D है जो 14.2 सेंटीमीटर, उसका एंगल जो है वो 135 डिग्री बनेगा, 45 नहीं होगा।
इसके बाद हमारे पास है थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0, 30 एंड 150। यानी अब हमारे पास फोर्सेस दे दी गई है 3 न्यूटन की, 4 न्यूटन की, 4 न्यूटन की, जो एंगल बना रही है एक्सेस के साथ 0, 30 एंड 150। यानी 3 न्यूटन का एंगल 0 है, 4 न्यूटन का 30 और इस 4 न्यूटन का 150 एंगल है। तो हमने इसमें डायरेक्शन नहीं दी थी, इसलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगाई। तो एक्स एक्सिस पे पहली जो 3 सेंटीमीटर की थी वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो लाइन बेस होती है डी की ये 0 डिग्री होती है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर जो है, नेक्स्ट फोर्स जो है वो 4 सेंटीमीटर के लिए, यानी 4 न्यूटन की जगह 4 सेंटीमीटर आएगा, स्केल सेट किया हुआ था, 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हम डी रखेंगे, ये डी की बेस होगी और यहाँ से 30 एंगल की लाइन को एंगल को मार्क करके लाइन लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद 150 के लिए आपने पहले यहाँ एक डॉटेड लाइन लगानी है एक्स एक्सिस के लिए, फिर इसके हेड से आपने 150 का एंगल का निशान मार्क लगाना है, वो इस तरफ आएगा। तो आप इसको फिर लाइन को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे जो बी सी होगी, और रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा ओ सी जो है 5 सेंटीमीटर और 53 डिग्री का इसका एंगल होगा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। मैंने एक पार्ट किया है, पहला है 40 न्यूटन एट 45 डिग्री और एक्स एक्सिस से इसका एंगल बन रहा है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक फोर्स हमें 40 न्यूटन दी गई है, एंगल हमें यानी थीटा 45 डिग्री दिया गया है जो एक्स एक्सिस के साथ है। हमें एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट और एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम पहले एक्स कंपोनेंट के लिए आएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ हमारे पास 14 है, कोस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, थीटा हमारे पास 45 है, कोस 45 होता है 0.7071। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 9.899 आता है, राउंड ऑफ करना चाहे कर दे वरना ये भी आपका आंसर ठीक है। इसके बाद हम वाई कंपोनेंट पे जाएंगे, तो वाई कंपोनेंट के लिए आपके पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वर्किंग वही है, फोर्स 14 आएगी, साइन थी ऐसे ही आ गया, थीटा की जगह 45, साइन 45 भी 0.7071 होता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 9.899 आपके पास आ जाता है। इसको भी आप राउंड ऑफ करना चाहे करें, अदरवाइज छोड़ दें। इसके बाकी के दो पार्ट आपको खुद करने हैं। अब इसका ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ डिटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए हुए, इसमें आपको एफ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, यानी एक्स कंपोनेंट 5 है और वाई कंपोनेंट 3 है। तो हमें डेटा बनाएंगे एफ एक्स 5 किलोमीटर, एफ वाई 3 किलोमीटर, एफ हमें फाइंड करना और थीटा भी हमें फाइंड करना है। तो एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसके अंदर आप एफ एक्स स्क्वेयर एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये 25 और 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, इनको प्लस कर तो 34 आता है। जब आप इसका स्क्वेयर रूट लेते हो तो 5.38 आपके पास ये आंसर आएगा। और थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इक्वल टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। आपने टेन इनवर्स यहाँ एज इट इज आने दिया, एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट की तो 3/5 थी, इनको डिवाइड किया 0.6 आया। जब आप इसका एंगल फाइंड करते हो तो 30.96 या 31 आता है। ये था बेटा आज का लेक्चर, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।